ये किसको, आप कितने टाइम से आपके पास है? हमारे पास है 14 ईयर हो गए इसको। एक्चुअली हमें ये रोड पे मिला था, ये गाड़ियों से टकरा रहा था इधर उधर, तो हम इसको ले गए हॉस्पिटल। इसका जब आंखें उन्होंने चेक की, डॉक्टरों ने बताया कि ये तो ब्लाइंड है। ये कब की हुआ था? 14 साल पहले। तो उस टाइम हमने इसको वेटनरी का एक कैंपस है उसी में अंदर रख लिया, और वहीं छोटा सा एक हमने शेड बना के इसको वहीं पे रखा इतने साल तक। अब उन्होंने अपना कुछ बिल्डिंग वगैरह कुछ बनाना होगा, रेजिडेंस वगैरह, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही इसको कहाँ दें। अच्छा, तो इसको बेघर कर दिया उन्होंने। जितना ख्याल आप पीपल फार्म में रख सकता है उतना कोई और रख नहीं पाएगा। इसको इस दूर रखो थोड़ा इससे ना, अभी के लिए। लात वात मार सकता है क्या? काट सकता है। तो बेटी जी को तो तभी अक्कल आएगी, वो वैसे वैसे समझाने से नहीं समझा उसको, पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं ऐसे। ओ जलमिल भी देख रही है, ऐसा कौन आया भाई जो पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं। तो हम तो शुरू से इसको आलमगीर बोलते आए हैं और सुनता भी है वो। चल आलम आजा, ये सीधा सैंक्चुरी चला जाए जिस हिसाब से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सीम्स लाइक कि इसको अपनी जगह चाहिए और वहाँ पे अपनी जगह बना लेगा, आराम से रह लेगा, है ना। अभी जब तक ये जाता नहीं इसी के आसपास ही रह लो। मीमी इसको तंग कर रही थी, जैसे चलानी है गाड़ी। चलो सर मूर्ख। चंबी गई थी बस स्टॉप पे, मैं बैठी तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हाँ, मैं पूछी आसपास वालों से कि भैया इसकी माँ को देखो, मैं वहाँ पे छोड़ दूंगी। हाँ। बोले नहीं, अभी कुछ बच्चे आए, इसको इधर ही छोड़ के चले आए, और आसपास दो तीन कुत्ते थे, तो मैं सोची कि उठा लेती हूँ। काटी काटी नहीं करते ऐसे, नो काटी काटी। कहाँ रखने पपी को? अब से मैंने पूछना ही नहीं है कुछ भी इससे ना, वैसे भी आंसरेबल नहीं होती मुझे बहुत चीज़ों के लिए, मैं पूछूंगा ही नहीं कुछ भी। देख ज्योति दीदी क्या करती है, तू देख सकते हो नाक्षी ज्योति दीदी। एक्चुअली सर जेलस इसलिए ना, मेरे से रूबी जिसको सर इतने दिन से ट्रीट कर रहे हैं, वो इतना ज़ोर ज़ोर से चीखती है जिसको आप पूरे फार्म को पता है। तो आज मैं पकड़ के उसकी राय दे ट्रीटमेंट कर रही थी, है ना, और वो परिंग कर रही थी, लाइक शी वाज कंफर्टेबल। एंड डॉक्टर हिमांशु को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो वो कंपेयर करने के लिए फिर सिम्बा को उठा के लाए कि सिम्बा चल हम खेलेंगे। कैमरा तो ऐसे ही हालत में चाहिए, कल शूट करना ना, कल इससे रॉबिन को बोल देना वो। उनको ये कहाँ मिला है पपी? चंबी। तो ओटी हमने फ्यूमिगेट किया आज ही। ओटी में नहीं रख सकते क्योंकि नींबू अभी सीडी सस्पेक्टेड है, तो उस तरफ उस एरिया में ही हम नहीं लेके जाना चाह रहे। और अडॉप्टेबल्स में? अडॉप्टेबल्स पूरा फुल है। तो भी फाइनली क्या डिसाइड हुआ, नींबू के साथ रखेंगे इसको? नींबू को साथ नहीं रखना है, जहाँ पे रखना है वो नींबू के पास है वो। अच्छा, वो वैसा ही साउंड होगा। तो देयर इज अ रिस्क, जो हमारा आइसोलेशन एरिया है अभी उसके बहुत पास है ना ओटी, तो इस वजह से मैं पहले नहीं रख रही थी वहाँ, लेकिन अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम उसको ओटी में ही शिफ्ट करेंगे। ये वैक्सीनेटेड है ना जेल में? हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट। सूचे और शिखर का बॉक्सिंग चल रहा है। पूरी बॉडी यूज कर रहा है। उसको तो आने दे फ्रेम में। आप लोगों को क्या लगता है कि मुर्गे लड़वाना ज्यादा गलत है या मुर्गे खाना ज्यादा गलत है, कमेंट्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा क्यों। और ये बताएं ना बताएं, वीडियो आप हमारा जरूर लाइक करिएगा। अरे तो जैक है या? जैक पूरा एक्टिव है ना, इसे चोट क्या लगी हुई? कुछ भी तो नहीं इसकी चोट। कहाँ चोट लगी हुई इसके? वो लगी थी, अभी ठीक हो गया, हील हो गया। चल भाई, क्यों लेके आए हम इसको? ये नहीं पता, ये डॉक्टर निशा। व्हाई वी ब्रिंग हिम बैक टू पीपल फार्म? डॉक्टर गुलशन, व्हाई वी ब्रिंग जैक बैक टू पीपल फार्म? कुछ नहीं, ऐसे याद आ रही थी, बड़ी ज्यादा याद आ रही थी। बाकी जानवरों की नहीं आती, चिंगारी हो गया, चेतक हो गया, उनसे कभी कभी हम मिलने चले जाते हैं। हम जैक को वापस क्यों लेके आए हैं? हमारे पास जगह हो गई थी, जैक के लिए उतना दूर जाना रोज के लिए हमारे लिए एक वो टास्क हो जाता था। उसके वार्ड्स बहुत हद तक झड़ गए हैं, वार्ड्स की वजह से हमने उसको आइसोलेट कर रखा था। उसके बाद और भी दो बैल हो गए हमारे पास वार्ड्स वाले, तो अब कोई सेंस नहीं उसको उतना दूर रखने का। तो अब हम डील करेंगे ट्रीटमेंट से वार्ड्स के। ठीक है डॉक्टर साहब, यू हैव टू बिकम अ डीलर नाउ। आई एम ऑलरेडी अ डीलर। ओके, नो
उसे मार रहे हैं, मतलब एक घर से जाता है दूसरे घर, कोई ऐसे देख रहा है हमारे पास ना आए। ना पपी इनके एरिया में किसी ने छोड़ा है, वहाँ दूसरे डॉग्स तो अटैक नहीं कर रहे, बट पता नहीं कि ये इंजरी कैसे है, सूजन है, हिट हुआ है या दूसरे डॉग ने काटा होगा, ये देखो माउथ पे यहाँ पे कुछ लग रहा है। ट्रीटमेंट हम वहीं कर लेते हैं ना? नहीं, मैं चला जाऊँगा, फिर कौन ही आपको बुलाएगा, कौन देखेगा। जितना चांस बाहर है ना सर्वाइवल का, यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि 50% पहले ही माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है, पपीज के लिए सेफ जगह नहीं है ऑनेस्टली। यहाँ मारेगा नहीं, थोड़ा वही है। फिर वही है कि रिस्क 50-50 वाला चांस है लाइफ के लिए ना, और रख लेते हैं। आप कैसे करने वाले हैं, जहाँ से आपने उसको पिक किया था वहीं पर रिलीज करने वाले हैं? ठीक है। इसकी एक आंख में, मतलब एक्सीडेंट में शायद इसका हेड ट्रॉमा ही था जिसमें इसकी आंख भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई थी, और एक आंख लगभग बाहर की तरफ ऐसे निकल आई थी, और रिफ्लेक्स तो दोनों आंख का डिस्टर्ब हुआ था। फिर आई रिमूविंग सर्जरी अच्छे से हुई, सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो दूसरी आंख है उसका भी रिफ्लेक्स थोड़ा सा कम ही है। रोड पे जा रहे तो फिर उसका दिक्कत नहीं होगा विजन का बनाई? सो कैट्स जनरली दे डू प्रीटी वेल, वन आईड कैट्स, हमारा कम कुछ एक्सपीरियंस वन आईड कैट्स के साथ। They rely a lot on their hearing, on their senses, on yeah. So they do well. They do okay. Bye. Freeze. Okay. Thank you. Okay. Ruby को भी जाना? Ruby कहीं नहीं जा रही. Surgery है बच्चे. So, वो late जाएगी. मुझे सरेंडर कर दिया कि मेरे को कुछ नहीं करना है, तो प्लीज़ मुझे जीने दो। फिर इसको फिजिकल करा रहे हम? इस दोनों माउथ थे ना उसके, तो फिर उसको थोड़ा बैलेंस बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम मसाज और फिजिकल ट्राई करेंगे ना, ताकि इसके मसल्स और जो लिगामेंट्स और बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके। इसका पॉज में कुछ प्रॉब्लम है क्या इधर? अब तुम ही सोच लो, तुम्हारी एक टांग ना रहे, तुम्हें एक टांग पे बर्ड पूरा का पूरा बैलेंस उस पर डालना, तुम्हें तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ना तुम्हें। मैसी तो एकदम मजे से फिजियो करवा रहा है, ऐसे तुम्हारी करे तो तुम भी बड़े खुश होके करवाओगे है ना? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एडी है तो इसका डैडी पता नहीं कहां है, आई डोंट नो। अच्छा, मैसी के साथ इसका भी हो रहा है हर रोज फिजियो? मैसी से पहले इसका हो रहा है, जो ये वाला पाव है इसकी जो हड्डी है जो यहाँ पे फ्रैक्चर था ठीक तरीके से हील नहीं हुआ है या जुड़ा नहीं है, वो यूं करके जुड़ा है, पाउंड चलाता है बट वो थोड़ा सा ट्विस्टेड करता है, गलती इसकी हड्डी इसकी गलत जुड़ी है। साहिल भाई कहाँ लेके जा रहे हो इसको? वॉक पे। बताओ ना, रिलीज हो रहा आज ये महाकाल है ना? महाकाल गुस्सा कर रही है महाकाल। हम उसको आज फाइनली रिलीज कर रहे हैं, हमें लगा था कि ठीक है ज्यादा से ज्यादा महीने भर में तो पक्का हो जाना है इसको, ठीक ऐसे यहाँ बस चोट है ना, कोई बोन वो इन्वॉल्व थी ना कुछ और, है ना, उस टाइम पे तो नहीं थी, लेकिन इतना स्लो हीलिंग है इसका, इतना स्लो कि 5 महीना हो गया। छोटे से घाव के लिए आएगा बस ये। छोड़ मत दियो वैसे, स्मार्ट बोल, रस्सी खोल दी ना इसने। ओ जल्दी 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 रस्सा खोल दिया इसने, जल्दी ऊपर जा, ऊपर रस्सा दौड़ी साफ कर, ऊपर ना छाल मार दे बैठ के, रस्सा तोड़ दिया इसने। आलमगीर को वापस क्यों लेके आ गया? चाचू जो है वो बहुत परेशान कर रहा था इधर ना। आ गई है भाई साहब वापस, रात को तो यहाँ पे घूम रहा था, इसकी रस्सी खुल गई थी, मैंने इसको फिर बांधा नहीं, मैंने कहा कि इसका काटने का खतरा रहता है। काट रहा है ये, बस नाम खराब है ऐसे ही है सर। थोड़ा ये है कि जल्दी जब इसके पास जाना तो बात करके, जैसे सुंदर के पास नहीं जाते थे कि बात करके आ, वो डगला डरता होगा ना, बस यही है और क्या। रात को गा भी रहा था थोड़ा सा ये।
कौन सा गाना सर? ये मैंने रिकॉग्नाइज तो नहीं किया। टपाया कैसे वहाँ से? क्योंकि वो जाते हुए तो पत्थर डाले। अच्छा, जाते हुए गिर गया था ना साहिल, तो जाते हुए पत्थर नहीं डाले थे? नहीं, हम ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि नाले में गिर गया जी। उन्होंने सोचा कि जंप कर लेगा, उन्होंने सोचा कि जंप कर लेगा जिसको दिखता नहीं है। खुद के जो ओनर्स इसको लेकर आए थे, फिर वो लोग वहाँ शिफ्ट करने गए थे, तब ये शायद ना जो वहाँ पर पाथ में एक बीच में वो है ना थोड़ा सा ड्रेन जैसा है, वहाँ पर पत्थर फिक्स करके फिर ले जाना पड़ता, वहाँ पर शायद ये उनके साथ गिरा है ना। बहुत छोटा सा ऐसे हरनिया का स्पॉट लग रहा था जो पेट के नीचे ये है, और आज गया है तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पुल्ली बन चुकी होती, वो अभी पड़ोसी को अभी पुलिस ने बुलाना है। अच्छा, चल रहा है अभी वो केस? अरे हाँ, और क्या, वो जो रास्ता है वो पंचायत ने बना रखा है रास्ता, जिसे अपना बता रहा था। जब ये आई थी तो हमें बताया गया था कि इसका एम्पुटेशन सर्जरी हुआ था और साथ ही में स्पेस सर्जरी हुआ था। अब इसकी टांग कटी ना तो मेरे भाई लेके थे उसको हॉस्पिटल में। स्ट्रे की घर की है, मतलब स्ट्रे है ये। दो दिन बाद इसका जो स्प्रे वाला साइट था यहाँ से इंटेस्टाइन पूरा बाहर आ गया था, फिर हमने उसको एडमिट किया। लेकिन पहले जो स्पे वाला साइट था उसको फिक्स करना ज़रूरी था। अभी जब वो पूरी तरीके से लगभग ठीक होने वाला है तो फिर हम यहाँ जो बोन के टुकड़े हैं उसको कट करेंगे और उसके बाद फिर उसमें हीलिंग पॉसिबल है। ठीक है, आ जाओगे तो मेरा सो जाएगी ना, मैं बात नहीं करूँगी उससे, पक्का सर्जरी हो जाएगी फाइनली। फिर दो दिन बाद खाना मिल जाएगा, प्राण निकल गए थे इसके सच में। इसको अभी लड्डू दिख गया है, चिप्स दिख गए ना, तो वापस होश में आ जानी है। ये सभी घरों में घूमता है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे घर घूमता है। ये दो तीन दिन से हम इसको देख रहे हैं ना, तो बेचारा ऐसे आया, इतनी हालत खराब है ना इसकी, आंगन पूरे खराब कर रखे इसने, इतनी ब्लीडिंग हो रही है और कीड़े भी पड़े हुए हैं इसको। चलो बेचारा ठीक हो जाएगा तो छोड़ जाना। इसको खुद हो रहा है कि मेरा कोई इलाज करे। हाँ, चाचू एग्जामिनेशन कर रहा है, आते ही नए वाले कुत्ते का। डॉक्टर साहब, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप हर बैल का खून ले रहे हो, क्या करोगे इतने खून का? राज है? यही तो राज है। ये राज है? कुछ आप बना तो नहीं रहे? पूजो को रिलीज करना पड़ेगा। पूजो दड़म से आई थी और उसके पीछे वाले पैर में ना एक बहुत ही ज़्यादा डीप और बड़ा वून था, वून पूरा हील होने वाला है और उसकी जो स्पेस सर्जरी है वो भी डन है। पूजो जा रहा है, सभी दोस्तों को फीडबैक दियो, पीपल वाम वाले बढ़िया हैं। ठीक है, चाचा कहाँ ले जा रहे हो उसको? रिलीज करने। ऐसी ले जाओगे गोदी में? हाँ। चाचा आप तो कलाकार हो। ये देहरा से लेकर आए हैं डॉग को खुद कैच करके। टीविटी लग रहा है हमें जो कि बस्ट हो गया है। उधर जा रहा था ना, पर इंजेक्शन लगाया था ना मैंने, बस एक ही डोज लगी है ना, एक ही डोज लगी थी। खा रही है अच्छे से? खाया था, इसने वॉमिटिंग कर दी बातें आते वो देख तो काफी मोशन सिकनेस तो है, होता ही है ना। और इसका पेट थोड़ा सा मेरे को फूला फूला लग रहा था। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, आ जा पड़ी पे रुबी भाई देखो। लेकिन प्रॉबेबली अंदर भी है, दिस इज व्हाई दूसरा सेक्स है, क्योंकि देखो शी इज वेरी डल। ठीक, कब तक ठीक हो सकता है आपके हिसाब से? कोई आइडिया? पूरी प्रॉब्लम तो पता चले पहले हमें। ऐसा नहीं होता ना कि डॉग वूंड के साथ आया तो सिर्फ वूंड के साथ नहीं होता, पीछे एनीमिया, डिहाइड्रेशन है ना, और भी कई चीज़ें निकलती है ना। मैं ब्लड सैंपल लेना होगा और उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। इसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ ना? नहीं। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? क्या लगता है आपको? कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो लग रहा होगा, देख के क्या कर रहा हूँ बताओ ना। ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इनसेंसिटिव पर्सन आए हैं जो मतलब बस। और भाई क्या हाल है ना, एनजीओ और एक क्लिनिक है, यहाँ ट्रीटमेंट चल रही है और पहला ट्रीटमेंट है डॉग का, कुछ सीरियस काम हो रहा है तो। और भाई क्या हाल, ऐसे नहीं चलता यहाँ। अच्छा बेटू। अच्छा, ये तो वही कुत्ता है जो कल रेस्क्यू करके लाए थे। हाँ, तुम भूल गए थे। डॉक्टर साहब बच जाएगी ना इसकी टांग को? डॉक्टर साहब कोशिश रहेगी। कब तक ठीक हो जाएगा? लगेगा टाइम, तो एक दो दिन ही हुए शायद। हाँ, कल ही तो आया, कल ही लाया था बेचारा। टाइम लगता है। आज आपको मैं एक ऐसा मंजर दिखाने वाला हूँ, शायद ही आपने देखा होगा कभी। ये राजकुमार है, डॉग से कहने में बंद है। क्यों ये नहीं पता, अभी पूछते हैं ज्योति से।
इसको यहाँ क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि उसको ऑफ फीड रखना था, हमें उसकी कैस्ट्रेशन है आज ना। माउंटिंग बिहेवियर शुरू हो गया है, वैसे भी फ्री लेगेड है, कोई इंजरी हो जाएगी। ओके राजकुमार, ओके बेबी, ओके बच्चा, ओके बच्चा, ओके बच्चा, ओके बच्चा। हमारा जो काउ शेड है, जहाँ पे हमारे जितने भी रेसिडेंट काउज और बुल्स दोनों रहते हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं ना, इस वजह से हम कैस्ट्रेट करके फिर वहाँ शिफ्ट कर देंगे कुछ दिनों में। गाँव में बुल्स को अगर क्योंकि बचपन में ही कर देते है ना, पत्थर से काशीशन, हाँ बिना बेहोश करे, बिना एनेस्थीसिया दिए। अच्छा आपके गांव में भी ऐसे होता है? हाँ हाँ, आज से नहीं, काफी टाइम से ले होता है, वैसे होता है। ओके लग गया, इट्स ओके। ठीक है बाजू, कम दर्द है ना, थोड़ा नेक्रोसिस है एक्चुअली, जो वुंड है ना इसके मुंह के अंदर में, यहाँ पर 1 2 3 तो वहाँ पे थोड़ा नेक्रोसिस है, मतलब थोड़ी सड़न कह सकते हैं ना। जो आँख का कंजेशन है, जो रेडनेस है आँख के अंदर, जो अभी मैम ने चेक किया, वो दोनों चीज़ें रिलेटेड है ना, वो वही बता रहे थे कि नेक्रोसिस की वजह से वो कंजेशन आँख में है। चलिए हूफ क्यों पहना रहा तू धनुष को? हूफ तो पहले से होता है। नहीं ये नकली हूफ, नकली हूफ नहीं, जूता है। हाँ जूता क्यों पहना रहे हैं? बता ना यार, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ब्लॉग के लिए यार, हमारी ऑडियंस देखना चाहती है भाई, बताएगा तो ऐसे घबराया मत कर। ऑडियंस देख लेगी ना, उनको वो वैसे समझ आएगी क्यों बनाया है ये, क्यों बनाया है, ताकि इसको जो पट्टी की है, इसका वुंड जो है वो गीला ना हो। अच्छा गोबर ना लगे, क्या बात है। इसके लिए नींद, अरे अभी किसी ने पकड़ा था, उठ जाता है। देखा दिमाग, दिमाग तो है साहिल भाई, थोड़ा सा चू जितना तो है, तभी तो मैंने खुला रखा ओपन, ताकि यूज में आता रहे ना। ये ले लो, ये उसका आखिरी वीडियो है मेरा। क्यों घेर लिया इन्होंने मुझे, ये मुर्गे सारे आपस में लड़ते रहते, तुम देखो थे। ये आपस में नहीं लड़ते सर ये मुर्गे, अरे हमारे पास फुटेज है, तुम थे नहीं यहाँ पे, पंख तो नीचे में हो गया। मैंने पंजाबी सांस है ना, उधर ही करना पड़ेगा। चलो चलो मुझे दे दो सारा खाना इसकी। ये तो यार, ये तो मैं देख के खुश हूँ, ये काफी वो हो गई है, इम्प्रूव्ड है, मतलब एक्टिव है अभी, उतना वो नहीं जैसे पहले, एकदम डल हो गई थी ना, और गिर रही थी, पैर स्लिप हो रहे थे, बॉडी बैलेंस जा रहा था, अभी बहुत बेटर है पहले से। प्रेशर से मुझे धक्का दे रही है, उसी से ही पता लग रहा है इम्प्रूवमेंट है। सीरियसली ओपन कर दे सुधांशु, अच्छा आपने किया है ताकि गए मेरे हेडफोन, ये कैसे टूट गए राजा? अभी तो टेप लगा के मैं चला रहा था किस तरह, वो भी खत्म। हाँ भाई गुड व्यू है तेरे वाला भाई सर, आप कैसे हैं? तुम व्यू ही देख रहे हो, तुम चलो आए नहीं? नहीं सर, बस बस मतलब तुम्हें जरा सा, उसने ज्योति ने क्या कह दिया, जरा सा राधा ने बोल दिया, तुम तो आउट हो गए। ऐसे ही है, मैं सोचता हूँ दिव्यांशु, फोन करके नहीं आ रहा बस सर, अभी बन नहीं पा, मतलब मैं क्या ही बात करता इस बारे में, मतलब ठीक है। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, बस व्यू इतना पसंद है कि ऑफिस नहीं आना। वो आपको पता ही है, मुझे लगा था तुम हरियाणा के हो, तुम थोड़े तो थिक स्किन्ड होगे, इसमें क्या है, तुम सुना तो बड़ी लेते हो लोगों को बातें, जरा सा तुम्हें किसी ने बोल दिया तो तुम ऐसे सेंसिटिव हो रहे हो। नहीं सेंसिटिव की बात नहीं, ठीक है बस हो गया, मैं उनके भी हाथ पे सॉरी बोल देता हूँ। चल लो आपके बोल रहे उन्हें लेके आए, फिर नहीं, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं, सब लोग उठक बैठक करें। अरे क्या बात, क्या हुआ, क्या दिव्यांशु? दिव्यांशु कुछ नहीं, दिव्यांशु करेगा शूट। पता नहीं हुआ कुछ, शायद बातचीत इनकी, मेरे को भी अच्छे से बताया नहीं अभी। कल से रात से साइड है क्या? आ गए साहब। क्या हुआ? अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, मजा आया। अरे वो तो जो कल वहाँ पे ब्रीड डॉग आई है, उसका क्या हुआ सर? उसकी तो देखिए ब्लूइशनेस है आँख में, जो कि अस्पताल में, सॉरी अस्पताल में कोई छोड़ के गया है कल, जो बन रहा है अस्पताल वहाँ पे कोई फीमेल छोड़ गया। और ये हमारे पास 3-4 दिन पहले आउट पेशेंट के रूप में आई थी ना,
अच्छा तो इसका कोई ओनर है जो लेके आया था? ओनर है, लेकिन यहाँ के जैसे लोग हमेशा कहते कि नहीं ये तो खाना डालते हैं बस, है ना, ऐसा बोल के वो लेकर आए थे। उस टाइम पे भी सर ने बता दिया था कि ठीक है ये सिर्फ देनी है, लेकिन उतने में वो चले गए ना, जब मतलब पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फॉर्म भी नहीं फिल किया। लेकिन रवि भैया के पास नंबर होगा, डॉग यहाँ पर छोड़ दिया उन्होंने, ब्लूइशनेस आँख में एक्टिव है डॉग, भाग भाग रही है। खाने का मुझे एक बार और कंफर्म करना होगा, ब्लूइशनेस है यानी कि वो आईसीएच करके जो हाईली चांस है कि हाँ आईसीएच हो सकता है। हम यहाँ तो बिल्कुल नहीं ला रहे ना उसको, और मैं लास्ट में भी चेकअप भी वही होगा कि हम लास्ट केस के, हाँ ठीक है डॉक्टर वहाँ जाए और डॉक्टर फिर घर चले जाए। जब वो आया था तो तुमने देखा था वो कितना जोर से पीछे वाली लात मार रहा था लोगों को, और वो काटने को भी हो रहा था ना, अभी देखो। He loves Dr. Anisha. Good. Boy. तो और वाइड लेकिन और सॉफ्ट अभी। I know. आपका पेट बहुत खराब। ज्योति क्या कर रहे हैं डब्बों से? हम जो डंकी को सूजन दिख रही है ना उसको थोड़ा कम करने के लिए हम कोल्ड कंप्रेस यूज कर रहे हैं। Yeah. साहिल का ही yeah, it's gonna work. हाँ, काम होगा। ओए ओए। ये पकड़ गया। हाँ, बंद होते। अब आइए मुझे तो सर। आपको ढूंढ रहा है बाजू कहाँ तो बोला के काटता वाला। सर बच के रहना, बुड़का मार लेगा।